Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to write in MS Access in decimal. Decimal में कैसे लिखते हैं इसी की बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MS Access ओपन कर लीजिए, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाइए डिज़ाइन व्यू में। मैं यहाँ कोई नाम दे देता हूँ, मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, ये रिकॉर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ अब हो गया ये रिकॉर्ड। अब यहाँ पे मैं दूंगा प्रोडक्ट आईडी, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसको मैं ऑटो नंबर रहने देता हूँ, आप नंबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार दोबारा से देखिए। कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और दोबारा से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्राइस दे देंगे, प्राइस। ठीक है, जो भी प्राइस है इसकी यहाँ पे दे देंगे हम। तो प्राइस हम होल नंबर रखेंगे तो इसको नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे अब हमें यूनिट देना है, तो यूनिट को भी हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे सिंपली। ठीक है, अब प्राइस की बात आती है, तो जो प्राइस है हमारा, ठीक है, वो प्राइस डेसिमल में भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है किसी, अगर आप बिस्किट खरीद रहे हो सपोज करो, तो बिस्किट का दाम 22.5 रुपये भी हो सकता है। ठीक है, मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि डेसिमल में हम कैसे एंटर कर सकते हैं डेटा, तो इसी पर्पज से मैं यहाँ पे प्राइस को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए फील्ड साइज आपको दिख रही होगी, फील्ड साइज पर आइए, लॉन्ग इंटीजर पर आइए और यहाँ ड्रॉप डाउन आपको दिख जाएगी, यहाँ से आप कर लीजिए इसको डेसिमल, ये डेसिमल हो गया। स्केल आपको दिख रहा होगा, यहां पर आइए, मैं इसको 3 कर देता हूं, आपको जितने डेसिमल पॉइंट की आवश्यकता हो उतना यहां पे ले लीजिए, मैंने इसको 3 कर दिया है। चलिए आइए चलते हैं नीचे, अब टोटल पे आते हैं, टोटल प्राइस कर देते हैं, टोटल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेल। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन ऑफ सेल कर दिया हमने, यहां पर आएंगे और यहां पे नंबर डेटा टाइप रखेंगे और लॉन्ग इंटीजर को बदलेंगे डेसिमल में, और डेसिमल के बाद यहां पे लगा देंगे हम 3। ठीक है, उम्मीद है ये बात यहां तक समझ में आई होगी। असली काम अब होने जा रहा है, क्लिक कर दीजिए यहां पे, यस कर दीजिए, अब आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हमें इसको भी मैं रिसाइज कर देता हूं, यहां पे प्रोडक्ट आईडी देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑटो नंबर ले रखा था। अब यहां प्रोडक्ट नेम देता हूं मैं, पार्ले जी, पार्ले जी, यहाँ पार्ले जी का बिस्किट है, हमारे इंडिया में काफ़ी बिकता है। अब इसका जो प्राइस है वो मैं रखता हूँ 22.5 रुपये। देखिए यहाँ मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ, आप गौर कीजिए, यहाँ मैंने पॉइंट में लिखा है और इसके 6 पैकेट बिके हैं। टोटल कैलकुलेशन हमें करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, क्वेरी डिज़ाइन में जाते हैं, आगे हम क्वेरी डिज़ाइन में ऐड करा दीजिए इसको। ऐड कराने के बाद अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर करते जाइए, यहाँ पे आता जाएगा, डबल क्लिक करिए आता जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन पे आ जाएंगे हम, किनारे आएंगे और यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है। ये देखिए ये जो बना हुआ है जहाँ हमने टोटल कैलकुलेशन लिखा हुआ है, इसके लास्ट में हमें आना है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से करना होगा, आराम से। यहाँ पे देखिए सेल जो है, इसके बाद कोलन लगा लीजिए, कोलन आपको ठीक मिल जाएगा, एल के बाद वाला बटन है, शिफ्ट के साथ दबाइएगा अल्फाबेटिक बटन, एल के बाद वाला, तो कोलन लग जाएगा। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्राइस, पी आर आई सी ई, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कीजिए। जो ऑपरेटर लगाएंगे, ये इंटू का निशान है, ये 8 नंबर अल्फाबेटिक बटन पर मिल जाएगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, बहुत अच्छा हो चुका है हमारा काम, अब इसको कर दीजिए रन, तो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने पार्ले जी ही लिखा, पार्ले जी, यहाँ पर देखिए पार्ले जी लिखा मैंने, और मैंने जो 22.5 रुपये उसकी कीमत लगाई थी वो 22.5 रुपये ही लगा देते हैं। और अब यहाँ पर यूनिट पर आते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 यूनिट बिका, ठीक है, तो टोटल देखिए अपने आप आ गया और ये डेसिमल में आया है, आप गौर कीजिएगा कि ये डेसिमल में है, देख सकते हैं आप। अब जैसे दूसरा प्रोडक्ट मैं एंटर कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा गगन घी, ठीक है, अब ये जो है इसकी प्राइस जो है 1 किलो की है,
₹600.50। ये मैं जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको डेसिमल में लिखना आ जाए कि कैसे ये डेसिमल में हम लिख रहे हैं। अब ये हो गया, अब इसका जो है 80 पीस बिका हुआ है। अब ये देखिए अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, यानी कि आपने मल्टीप्लाई भी करना सीख लिया इसमें। अब देखिए अगला जो है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप तो कंप्यूटर डेस्कटॉप बिक रहा है। और ये कितने का बिक रहा है, ये देखिए ये बिक रहा है 25,050 ये मैं जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है। अब यहां पे यूनिट कितनी बिकी है, 4 यूनिट बिकी है, इसके हिसाब से यहां प्राइस आ गई आपकी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है एक्सेस पे काम करना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये काम और भी आसान होने वाला है क्योंकि हम फॉर्म इसको बनाएंगे, फॉर्म पे हम बेस्ड काम करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। और यहाँ देखिए फॉर्म के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इस बार मोर फॉर्म्स पे जाता हूँ या फिर फॉर्म्स पे जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, इसको येस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेरी वन के नाम से सेव होना चाहता है लेकिन मैं यहाँ पे सुपर मार्केट के नाम से सेव कर रहा हूँ इसको, सुपर मार्केट ये सेव हो गया। आप देखिए ये फॉर्म व्यू में हम आ चुके हैं, देखिए बहुत ही अच्छा है ये। अब इसको बाद हमें जाना है डिज़ाइन व्यू में क्योंकि हमें अब डिज़ाइन करना है इसका, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में हम आ गए। अब यहाँ से आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं या इसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस चीज़ को। फिलहाल मेरा सब कुछ सही दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और वापस हम फॉर्म व्यू में आ जाते हैं। अब हमको नया डेटा एंटर करना है, कैसे एंटर करें। यहाँ देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ये बटन, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें न्यू ब्लैंक लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। अब लैपटॉप जो है इसकी प्राइस जो है, ये कोई ऐसा लैपटॉप है जिसकी प्राइस है 44,000 और इसमें मैं जोड़ देता हूँ 50 पैसे, क्योंकि 50 पैसे हमको लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट कितनी बिकी है, 67 यूनिट बिकी। तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने आप आ गया। अब फिर हमें नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिंक का पेन, लिंक पेन है, तो इसकी जो पीसेज हैं वो 5,000 पीस सेल हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट इसकी जो प्राइस है वो 5 रुपये है और पीसेज जो है 5,000 सेल हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल अपने आप आ जाएगा, आप देख सकते हैं कितना आसान है इस पे काम करना। अच्छा अब अगर नया रिकॉर्ड है तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ जाइएगा। अब माउस मैं लिख देता हूँ MOUSE माउस, कंप्यूटर का माउस जो है वो बिका है। कितने का है एक माउस, एक माउस है 120 रुपये का। और यूनिट कितनी बिकी है, यूनिट बिकी है 600। तो यहाँ पर देखिए टोटल अपने आप आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसमें काम करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर आपको अगर कुछ सर्च करना है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको प्रोडक्ट आईडी 2 वाला चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखते ही अपने आप प्रोडक्ट आईडी 2 का सारा डिटेल आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना आसान है, कितना ईजी है इस पर काम करना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसानी के साथ आप फॉर्म में जा करके ये काम कर सकते हैं, लेआउट में जा करके आप इसमें कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे ये जो पार्ट है, ये टाइटल पर हमने कलर कोई और लगा रखा है, यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड कलर ठीक रहेगा। तो देखिए ये रेड कलर आ गया है, आप चाहें तो इसमें भी कलर डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जाना है और यहाँ पे आप कलर लगा सकते हैं ईजिली, ठीक है। इस पर भी कलर लगाइए, हर एक जो भी दिया हुआ है उस पर आप कलर ईजिली लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे मैंने कलर लगा दिया और यहाँ पे टेक्स्ट को कलर करना है तो यहाँ से कलर कर दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर करेंगे। अब देखिए इसको बोल्ड बनाना है, मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड बन जाए, तो यहाँ से आप बी पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल बी लगा दीजिए तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद
देख सकते हैं आप कि कितना आसान है इसको सर्च करना। अच्छा, आप नाम से सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था कंप्यूटर डेस्कटॉप, तो कंप्यूटर COM टाइप करते ही देखिए यहाँ पे कंप्यूटर डेस्कटॉप अपने आप सर्च होके आ जा रहा है। आप कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हैं, आपके कंप्यूटर में मौजूद हो, जैसे ये 2017 वाला लोगो मैंने यहाँ लगा दिया, आप देख सकते हैं इस लोगो को कैसे ये आ चुका है। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट पेंटर का जो हम लोग एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल में यूज़ किया करते थे वो यहाँ भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। लाइनों को थिक बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए लाइनें मोटी हो जाएंगी, ये जो बॉर्डर वाली लाइन है ये मोटी हो जाएगी, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अगर इस वाली लाइन को थिक बनाना है तो यहाँ से थिक बना लीजिए, अगर इस वाली लाइन को थिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना लीजिए, देखिए ये लाइन भी थिक हो गई। तो कितना आसान है इस पे काम करना, आप देख सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। लाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिए, रेड कलर में ये हो गया। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।